बरेली में बेटी ने अपने पिता की हत्या करने वालों को पकड़वा ही दिया। बहनोई ने पत्नी और प्रेमी के खिलाफ लिखवाया था मुकदमा। टैक्सी ड्राइवर संजय गुप्ता हत्याकांड में पत्नी और प्रेमी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुभाष नगर बदायूं रोड पर वैष्णो धाम कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहे टैक्सी ड्राइवर संजय गुप्ता की बेरहमी से पीटने और गला दबाने के बाद हत्या कर दी गई। इस मामले में संजय के बहनोई दिनेश चंद गुप्ता ने मृतक की पत्नी ज्योति और उसके अज्ञात प्रेमी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में छानबीन करने पर पुलिस को पता चला कि ज्योति का कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले नाम सामने आया था। इसके बाद से ही पुलिस अब्बास की तलाश में जुटी हुई है। हत्यारोपी संजय की पत्नी से भी लगातार पूछताछ की जा रही थी। अब्बास की निशाख्त के लिए पुलिस ने उनका फ़ोटो, घटना की चश्मदीद मृतक की बेटी निसी को उसका फ़ोटो दिखाया। निसी ने उसकी निशाख्त कर ली है। उसने पुलिस को बताया कि ये वही युवक है जिसने पापा को पीट पीट कर मार डाला था। अब्बास की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उसके कई ठिकानों के साथ ही उसके रिश्तेदारों के घर दबिश दी थी, लेकिन अब्बास का कोई सुराग नहीं लग रहा था। देर रात पुलिस ने अब्बास को गिरफ्तार कर लिया। थाना सुभाष नगर के अंतर्गत वैष्णो धाम कॉलोनी है, जिसमें दिनांक 2/6/2022 को जो वादी हैं दिनेश चंद गुप्ता, उनके द्वारा थाना सुभाष नगर पर एक तहरीर दी गई। तहरीर में उनके द्वारा बताया गया कि उनके साले जिनका नाम संजय गुप्ता, उम्र लगभग 45 वर्ष, की हत्या जो मृतक हैं उनकी पत्नी और एक अन्य व्यक्ति के द्वारा कारित कर दी गई है। इस संबंध में थाना सुभाष नगर पर 302 IPC का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक उनकी पत्नी जो नामजद है और एक अन्य व्यक्ति जो है अज्ञात में किए गए थे। इस घटना की जब विवेचना की गई, गहन छानबीन की गई, तो इसमें दो व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक जो मृतक है उनकी पत्नी और दूसरा व्यक्ति है जो आवास है। इनसे जब गहन पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि जो इनकी मृतक है उनकी पत्नी और आवास के बीच में अवैध संबंध थे, और ये जानकारी जो मृतक है उनको हो गई थी। मृतक इस बात का विरोध करता था, जिसके चलते दोनों ने योजना बनाई कि जो मृतक को रास्ते से हटा दिया जाए। इसके लिए आपसी योजना बनाकर आवास ने नशे की गोली लाकर जो उनकी पत्नी थी उनको दिया, और पत्नी ने शाम के खाने में सब्जी में नशे की गोली लाकर उसको दे दिया, और नशे की गोली सब्जी जो है मृतक खाने के लिए। उसके बाद मृतक को नींद आ गई तो वहीं पर मौजूद जो है दुपट्टा से लेकर उनके गर्दन को कस दिया, और उसके बाद वहाँ पर मौजूद लकड़ी के पट्टे से उस पट्टे से मृतक के सर एवं शरीर के अन्य हिस्सों पर कई बार किए गए थे, जिसके चलते उनकी मृत्यु पारित हो गई, जिसकी पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब कराई गई, जो हमारे पास इन सारी चीज़ें डिटेल में मौजूद हैं। इन दोनों के द्वारा घटना को कबूल किया गया, और हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और टेक्निकल एविडेंस भी मौजूद है, और दोनों गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। विवेचना प्रचलित है, इसमें अन्य जो भी विधि कार्रवाई होगी इसमें अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।